arrivo! Gol dell'arrivo! Gol dell'arrivo! जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी से तो उम्मीद पहले ही नहीं थी। मुल्की सियासत के दर्जा हरारत में गर्मी। नून लीग के बाद कल तहरीक इंसाफ लाहौर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। नून लीग के दोनों इज्तिमाआत को पीपल्स पार्टी के रेंटल रैलियां करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म गैलानी ने कहा है कि धरनों और गो गो के नारों से हुकूमत तब्दील नहीं होगी, जमहूरियत को पटरी से नहीं उतरने देंगे। मुस्लिम लीग नून से कहता हूँ, जबान को लगाम दे, वरना के जबान को लगाम देना अल्ताफ हुसैन को अच्छी तरह आता है। अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि नून लीग जबान को लगाम दे, वरना मुझे लगाम देना आती है। लाहौर में जलसा नहीं, गुल गपाड़ा किया गया था। नून लीग के सेक्रेटरी इतलाक मुशाहिदुल्ला ने कहा है कि बदजबानी की बात करने वालों को वसीम अख्तर की पंजाब के हर घर को दी जाने वाली गालियां दिखाई क्यों नहीं दी। सिंध हुकूमत ने एमकेएम की रैली के लिए जलसे जुलूसों पर दो रोज के लिए पाबंदी उठा ली। बोकलाहट में पाबंदी में तौसी का नोटिफिकेशन दो घंटे बाद ही वापस ले लिया। वफाकी वज़ीरे इत्तला'आत डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि सदर को हटाने की साजिश की कड़ियां बैरून मुल्क मिलती हैं। गवर्नर पंजाब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ के बयान पर अस्खुद नोटिस क्यों नहीं लेती। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसमा जहांगीर और हुकूमती हिमायत याफ्ता उम्मीदवार यासीन आजाद कामयाब, रशीद रिजवी शिकस्त खा गए, वकला के भंगड़े। लाहौर में कातिल डेंगू ने मजीद 5 अफराद की जान ले ली। पंजाब में हलाकों की तादाद 319 हो गई है। दुबई टेस्ट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी, सईद अजमल मैन ऑफ द मैच। पाक भारत हॉकी मैच में लड़ाई के बाद 5 भारतीय और 1 पाकिस्तानी खिलाड़ी पर पाबंदी आयद कर दी गई। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में गैर मुल्की फौजी काफिले पर खुदकुश हमला, नेटो के 10 फौजियों समेत 14 अफराद हलाक। और ये आलम शौक का, दो फोटोग्राफर जान जोखों में डालकर दहकते हुए आतिश फिशां में उतर गए।